नमस्कार, स्वागत है आपका ENN भारत में और मैं हूं आपके साथ मिली। विधानसभा चुनावों के माहौल को देखते हुए राजस्थान में सभी पार्टियां और उनके उम्मीदवार पूरे जोश में हैं। और इस जोश को लेकर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हमारी ENN भारत की टीम पहुंची विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है सुजानगढ़। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है सुजानगढ़ में उम्मीदवारों की स्थिति, लेकिन उससे पहले हम आपको देते हैं यहाँ की जातियों की जानकारी। पहले नंबर पर है जाट, जो है 21.67%। दूसरी जाति है मेघवाल, जो है 13.30%। तीसरी है मुस्लिम, जो है 12.32%। चौथी है राजपूत, जो है 11.41%। पांचवी है कुम्हार, जो है 6.90%। छठी है ब्राह्मण, जो है 6.72%। सातवीं है नायक, जो है 5.07%। आठवीं है माली, जो है 2.81%। नौवीं है स्वामी, जो है 2.71%। और दसवीं है वैश्य, जो है 2.14%। चुनावी मुकाबले की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे पर दाव चल के संतोष मेघवाल को मैदान में उतारा है। संतोष मेघवाल 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी, जिन्हें दो बार बीदासर के पंचायत समिति के प्रधान का पद सौंपा गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा गया है, जो पूर्व विधायक स्वर्गीय भंवर लाल मेघवाल के बेटे हैं। हमने इस क्षेत्र में सर्वेक्षण किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि दोनों नेताओं के बीच दमदार मुकाबला है। जिन लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उनका कहना है कि पार्टी के नेतृत्व में काफी अच्छा विकास हो रहा है और बहुत सी घोषणाएं भी की गई हैं। वहीं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, उनके अनुसार संतोष मेघवाल भले ही नए उम्मीदवार हैं, लेकिन अब तक उनकी जो कार्यशैली रही है, उसमें कुछ ही समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों ही पार्टियों को समर्थन नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP और इसके संस्थापक हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया है, जबकि RLP की तरफ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुजानगढ़ की रणभूमि में किस नेता को विजय प्राप्त होगी, कांग्रेस के मनोज मेघवाल, बीजेपी से संतोष मेघवाल या किसी तीसरी पार्टी का नेता करेगा इस सीट पर शासन। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर आएंगे एक नई विधानसभा के साथ और आपको बताएंगे कि वहां की जनता के अनुसार क्या है उम्मीदवारों की स्थिति। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यानी ENN भारत के साथ। नमस्कार।